तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में। हमने लुकअप फॉर्मूले की बात कर ली है, बात करते हैं रेफरेंसेस फॉर्मूले की। रेफरेंसेस फॉर्मूले में सबसे पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर रो एंड कॉलम, मतलब कि रो एंड कॉलम आपका अगर नंबर में है, रो एंड कॉलम नंबर में, जैसे R1 है और कॉलम 1 है, तो मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस पता चाहिए कि भाई यहाँ पे A1 लिखा हुआ आ जाए। यानी मैंने बोल दिया कि सी जो है 3 है, तो मतलब कि C1 लिखा हुआ आ जाए इस तरह से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एड्रेस का फॉर्मूला। जी हाँ, एड्रेस एड्रेस फॉर्मूले में यहां हम सिलेक्ट करते हैं पहले रो नंबर, देन हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम नंबर, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका देखिए C1 आ गया। अगर मैं रो 5 कर दूं तो C5 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, मुझे C5 नहीं चाहिए, C5 की वैल्यू चाहिए। जैसे 965 है वो वैल्यू चाहिए। तो क्या है ना कि ये जो एड्रेस आया है हम इसको डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो C5 एड्रेस है एक तरह से टेक्स्ट है। जैसे इक्वल, अगर आपने आप इक्वल A1 करते हैं तो देखिए A1 को रेफर कर रहा है, लेकिन इसी को अगर इन्वर्टेड कॉमा में A1 कर दें तो फिर वो A1 को रेफर नहीं करेगा। इस केस में हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, जिसको मैंने याद होगा शुरुआत में मैंने बताया भी था आपको। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को उसके रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं 965 रिजल्ट आ गया। तो इस C5 जो लिखा हुआ है, C5 को इसकी एक्चुअल जो C5 का रेफरेंस है उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो एड्रेस फॉर्मूला एंड इनडायरेक्ट फॉर्मूला, समझ में आया आप लोगों को? मिलन जी, गरिमा जी, सर इनडायरेक्ट समझ में आया, एड्रेस खाली एक बार बताएंगे क्या? एड्रेस ज्यादा फॉर्मूला समझ कुछ नहीं करता है अगर आपका रो एंड कॉलम नंबर फॉर्मेट में है। अगर मान लीजिए कि अगर D और 1 अलग अलग हो तो आप कंबाइन करके D1 बना लेंगे, लेकिन D के जगह पर 4 हो तो कैसे करेंगे? तो उस केस में हम एड्रेस फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि वो डी को 4 को डी कर दे। क्लियर है? अब समझ आया सर आपको? सर, समझ में आया सब। अब क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या होता है। अब इसकी बेनिफिट देखने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम। मेरे पास कुछ नाम है, जैसे पूजा, इंदर, इस तरह से कुछ नाम लिखे हैं, और यहाँ पे Jan 5 मार्च की मेरी एक ए है। दिसंबर तक हमारी, आप देख पा रहे हैं किस डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा हम डाल देते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे अगर पूजा का क्वार्टर 1 का टोटल चाहिए, क्वार्टर 1 का टोटल चाहिए, तो कैसे होगा? क्योंकि क्वार्टर 1 तो Jan, Feb, मार्च तीनों का टोटल करेगा ना। यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहां राइट का फॉर्मूला लेके जो 1, 2, 3 है क्वार्टर का वो अलग करूंगा। फिर मैं यहाँ चूज का फॉर्मूला, एक चूज का फॉर्मूला होता है, जैसे मुझे यहाँ 1 पे जैन शो करना है, अगर 2 हो तो फैब नहीं, मुझे अप्रैल शो करना है, अगर 3 हो तो मुझे यहाँ पे जुलाई शो करना है। मतलब हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ, हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे हम इफ का, पर इफ फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहां पे इफ का ना देके मैं यहां चूज का देता हूं। चूज हमने इसको सेलेक्ट किया और 1 बाय 1 यहां पे जैन, अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है आपका जुलाई, सितंबर, अक्टूबर आएगा।
माफ कीजिएगा, हमें डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए जैन फेब मार्च इस तरह का, हम यहाँ पे क्वार्टर वन करते हैं तो यहाँ पे जैन आएगा, अगर क्वार्टर टू करते हैं तो अप्रैल आएगा, क्वार्टर थ्री करते हैं तो जुलाई आएगा, क्वार्टर फोर करते हैं तो अक्टूबर आएगा। अब यहीं पे मैं एक और मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैच का फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे बताएगा कि जो जैन है ए कॉलम ए के अंदर में कितने नंबर रो पे है, तो दूसरे नंबर रो पे, और फिर वापस मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और पूछूंगा कि पूजा, क्योंकि मैच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है, कॉमा जीरो, तो यहां पे टू आ गया। तो मेरे पास दो रो एंड दो कॉलम, राइट, जो मैंने अभी एड्रेस का फॉर्मूला बताया रो एंड कॉलम को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां हम एड्रेस का फॉर्मूला लेंगे, हम बोलेंगे नंबर दो एंड दो कॉलम, तो ये बता देगा कि B2 से शुरू है और D2 पे खत्म है, तो D2 कैसे निकलेगा, तो यहां भी हम एड्रेस का फॉर्मूला देंगे और दो नंबर रो और कॉलम में नंबर टू कर देंगे, प्लस टू कर देंगे, सॉरी D2 आ गया। मतलब कि अगर मैं क्वार्टर टू करूं तो आप देखेंगे कि क्वार्टर टू होते यहां टू आया, इस टू को इसने अप्रैल में कन्वर्ट किया, अप्रैल में कन्वर्ट होते ही मैच ने फाइव नंबर कॉलम दे दिया और इसने एड्रेस फॉर्मूले ने पांच नंबर कॉलम से E5 और उसमें प्लस टू करके यहां पे G5 G2 और E2 का दे दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको सर? मिलिंद जी, हाँ सर आया, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा बट समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम सम का फॉर्मूला देते हैं तो हम कुछ इस तरह से देते हैं ना, E2 से G2 क्या? लेकिन इसमें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, दो ही वैल्यू को सम करेगा। तो यहां पे हम सम में डालने से पहले इनको कंबाइन कर देते हैं कॉलन लगा के, ताकि एक एड्रेस फॉर्मेट में बन के आ गया। ठीक है, अब यहां पे एरर क्यों दे रहा है, वही प्रॉब्लम कि E2 और G2 तो टेक्स्ट है ना, सम इसको कंसीडर थोड़ी कर रहा है, E2 मतलब कि E2 और G2 मतलब G2, कंसीडर इसको थोड़ी कर रहा है, इसको कंसीडर करने के लिए हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, एंटर प्रेस किया, अब आपके सामने 162 आ गई। अब इसका देखिए यहां पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वार्टर वन करता हूं तो क्वार्टर वन का आएगा, क्वार्टर टू करता हूं तो क्वार्टर टू का आएगा। अब इस सारे फॉर्मूले को मुझे एक रो के अंदर, एक सेल के अंदर डालने हैं, तो सबसे पहले राइट फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और यहां चूज के अंदर सी नाइन पे पेस्ट कर देता हूं और इसको डिलीट कर देता हूं। फिर मैं अप्रैल को उठाता हूं, ए चूज को उठाता हूं और हम यहां मैच में जहां D9 था उसके जगह पे पेस्ट कर देता हूं, मतलब कि मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। सेम मैं इस मैच फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और हम मैं यहां जहां पे हमारा B10 है, B10 को पेस्ट कर देते हैं और यहां भी B10 है तो यहां भी पेस्ट कर देते हैं, मतलब कि इस मैच को डिलीट किया जा सकता है। वापस इस मैच को हम कॉपी करते हैं और जहां पे E9 है, E9 के जगह पे हम E9 का फॉर्मूला डाल देते हैं, E9 के जगह पे E9 का फॉर्मूला, मतलब मैं इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस एड्रेस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा, एक कौन सा है C10, जहां पे C10 है उसके जगह पे C10 का फॉर्मूला, और वापस D10 का फॉर्मूला कॉपी करूंगा, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, और जहां D10 है वहां पे D10 का फॉर्मूला डाल दीजिए। अब मैं इसको डिलीट करते हैं और यहां पे इसको कट करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इतना लंबा फॉर्मूला तो लिखना मुश्किल था आप लोगों के लिए, अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते हुए मेरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सर मेरा एक दो मिनट लगेगा, खाली एक बेसिक क्वेरी है, बहुत ही बेसिक, जो अपने कॉन्कैटिनेशन का मैं देख रहा था वीडियो आपका, उसमें
कंकैटिनेशन तो ठीक है समझ में आया, बट उसमें एम्परसेंड यूज करके जो ज्वाइनिंग कर रहे थे वो खाली एक थोड़ा क्विकली बताएंगे कि हम बता देता हूँ। एग्जैक्ट देखो देखिए एम्परसेंड कहाँ डालते हैं। क्या होता है, सुजीत और कुमार राइट। अब इसको मैं ज्वाइन करने की कॉनकेटनेट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ राइट, और इसको एन परसेंट भी कर सकते हैं। अब इसको कहाँ लगा सकते हैं ये आपके चॉइस के ऊपर है, दोनों एक ही फॉर्मूला है कि कॉनकेटनेट लगा दीजिए या एन परसेंट का साइन लगाइए। समझ नहीं बट गए, वो आपके फॉर्मूला में सिंगल कोट से मतलब यहाँ पे टेक्स्ट और ये कंबाइन जैसे लगाना। सेपरेटर हुआ ना, सिंगल कोट पर डालते हैं ना। जैसे मान लीजिए मुझे सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्पेस और फिर एन परसेंट देना होगा, क्योंकि हर टेक्स्ट के साथ एन परसेंट आएगा। हाँ वही मैं नहीं बट टेक्स के साथ मतलब वो टेक्स से पहले आएगा कि बाद में आएगा वापस एक बार जहां पे आपको कंफर्म शो करना है आपको, जैसे मैं समझे आप समझिए, बताता हूँ आपको। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 राइट। तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा सेल। अब गम एन परसेंट गम लीजिए ना सर, तो अब मुझे इसको चिपकाना है, 11 को चिपकाना है, तो मुझे गम लगाना पड़ेगा ना, फिर 11 करेक्ट। चिपकाना, फिर 12 को चिपकाना है, तो फिर गम लगेंगे, फिर चिपकाना पड़ेगा, समझे। अब हाँ हाँ मान लीजिए कि 11 और 12 के बीच में मुझे एक डैश देना है, तो एन परसेंट फिर इन्वर्टर को में मैंने डैश दिया, फिर गम देना पड़ेगा। ओके समझ गया, इसलिए वो कभी कभी टेक्स्ट से पहले आ रहा था और कभी कभी बाद में आ रहा था। जी ओके ओके समझ गया, वही डाउट था मेरा, कभी कभी टेक्स्ट से पहले कभी कभी बाद में क्यों, फिर वो ठीक है। समझ आ गया आपको सर। हाँ अभी आ गया समझ, ये एग्जांपल से समझ में आ गया। एक चीज और भी है, अगर आपके पास डेट है ना, जैसे मान लीजिए मैं डेट, तो यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, नंबर आ गया। जब डेट होगा ना, तो डेट वाले पार्ट को टेक्स्ट फॉर्मूले में रखिएगा, ठीक है, डेट टाइम जैसे पार्ट। और यहाँ पे दे दीजिए डी डी वाई वाई, ठीक है, अपडेट आया सर। हाँ सर अब छोटे मोटे फॉर्मूले, जैसे कि कॉलम का फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कि कॉलम जहां आप लगाते हैं उसका कॉलम नंबर आ जाता है, जिसमें एड्रेस देते हैं। एड्रेस नहीं दीजिएगा, जिस सेल में लगाइएगा उस सेल का आ जाएगा। सेम आपके पास कॉलम्स का फॉर्मूला है। कॉलम फॉर्मूला क्या करता है कि जितने एरिया में हम सेलेक्ट करेंगे, बताएगा कि आपको कितना कॉलम आपने सेलेक्ट किया है एड्रेस में। सेम थिंग आपका रो का फॉर्मूला है, आप अगर जिस रो को सेलेक्ट करेंगे उस रो का रो नंबर दिख जाएगा, या फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे ओपन क्लोज, तो जिस सेल में लगाओगे उस सेल का रो नंबर आ जाएगा। और इसी में आपके पास रोज का फॉर्मूला होता है, तो रोज फॉर्मूला जितने रो आप सेलेक्ट करोगे बताएगा कि कितना रो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका यूज एक काम में और करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लिख रखा है, आपका डेटा है, आपने डेटा में सीक्वेंस नंबर लिख रखा है। मान लीजिए 20 से हमने कुछ डेटा डिलीट कर दिया, तो मेरा सिक्वेंस तो ऑटोमेटिकली ए नहीं होगा ना सर, मतलब मेंटेन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट 9/16 आ गया, जबकि 10 आना चाहिए था ना सर। करेक्ट तो उस केस में आप यहां इस नंबर के जगह पे रो का फॉर्मूला लगा दीजिए। रो का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा कि फिर वो सिक्वेंसली रहेगा, बीच में अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो फिर क्या होगा, ये आपस में मेंटेन कर लेगा। कर लिया, मेंटेन कर लिया सर। यार। लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे सीरियल नंबर यहां से चाहिए, तो यहां पे अगर मैं रो का फॉर्मूला लगाता हूं तो यहां पर दिखाएगा 8, 1 तो दिखाएगा नहीं, ये करेक्ट सिंपल सा -7 कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए, समय -7 हो जाएगा वो, ठीक है। यस सर अब बीच में अगर कोई नंबर आप डिलीट कर, खुद कॉलम रो डिलीट करते हैं, तो मेंटेन कर देगा इसको। ओके ये सी आज की हमारी छोटी सी टॉपिक जो कि डिस्कस की।